तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ अपनी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मेरे ज्यादा अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं और इसकी वजह आप सभी को पता नहीं होगी, लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ। जो मेरे चैनल की सबसे अच्छी वीडियो थी यानी कि रोल नंबर 21, इसी वीडियो से मेरा चैनल धीरे धीरे ग्रो होना शुरू हुआ था, लेकिन कुछ मेरी गलतियों की वजह से यूट्यूब ने इस वीडियो को रिमूव कर दिया है और इस पर एक स्ट्राइक भी आ चुकी है, जिसकी वजह से फिलहाल अभी मेरे चैनल की ग्रोथ रुक गई है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और इस चैनल पर ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। और ये बात आप सभी से शेयर करना बेहद ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप सभी लोग मेरे अपने हैं, मेरे एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। हालांकि इस चैनल पर मेरे इतने सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं सब मेरे अपने हैं और मेरे जिगर के छल्ले और टुकड़े, और मैं क्या क्या ही बोलूं। तो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिला एक ड्रैगन स्केल, तो शुरू हो गया ड्रैगन टेल, चारों ओर ड्रैगन आ गए, इंडोर मैक्स को छा गए। दोस्तों अगर आपने बचपन में ड्रैगन टेल्स नहीं देखा है तो आपने क्या ही देखा है और क्या ही अपना बचपन जिया है। कार्टून नेटवर्क पर आने वाला ये शो मेरे लिए अभी तक का सबसे अच्छा शो रहा है। आज भी वो मंत्र मुझे बेहद ही अच्छे से याद है जिसको बोलकर के एमी और मैक्स ड्रैगन लैंड में जाया करते थे। आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस शो को ओरिजिनली सिर्फ 4 से 5 साल के बच्चे के लिए ही बनाया गया था, लेकिन इसका एनिमेशन इतना ज्यादा कलरफुल और ब्यूटीफुल था कि एडल्ट्स भी इसको देखने से खुद को नहीं रोक पाते थे। अब दोस्तों मुझे ये बिल्कुल भी याद नहीं है कि कार्टून नेटवर्क पर सबसे पहले ड्रैगन टेल्स आना शुरू हुआ था या फिर ड्रैगन बॉल जी, लेकिन मुझे लगा था कि ये दोनों शो बिल्कुल सेम है। लेकिन देखो रियलिटी में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ड्रैगन टेल्स एक कनेडियन अमेरिकन शो है जिसे 1999 में स्पेशली बच्चों के लिए ही बनाया गया था और इसकी कहानी बेहद ही ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 6 साल की एमी और 4 साल के उसके छोटे भाई मैक्स को अपने नए घर में एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक जादुई ड्रैगन कैसल होता है। अब उस बॉक्स पर एक मंत्र भी लिखा हुआ होता है और जब वो उस मंत्र को पढ़ते हैं तब वो जादू से एक ड्रैगन लैंड में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों एक खास बात बताऊं, मुझे स्पेशली ये वाला एनिमेशन बेहद ही ज्यादा पसंद था। जब दीवार में से ड्रैगन की ड्रॉइंग्स बाहर निकल जाती थी और एमी और मैक्स के चारों तरफ घूमने लगती थी और अगले ही पल वो दोनों ड्रैगन लैंड में हुआ करते थे। अब वो दोनों ड्रैगन लैंड में ओड, कैसी और ट्विंस जैक और वीजी से मिलते हैं और वो उनके साथ मिलकर के ड्रैगन लैंड में नए तरीके के क्रिएचर से मिला करते थे और दूसरे बहुत अमेजिंग एडवेंचर्स के लिए जाया करते थे। बेहद ही सिंपल स्टोरी के साथ ही ये शो बेहद ही ज्यादा एंटरटेनिंग था और इसके साथ दिए गए मैसेज भी बेहद ही ज्यादा अच्छे हुआ करते थे। और अगर आप ड्रैगन टेल्स देख करके बड़े हुए हैं तो इसका मतलब आपके अंदर भी अच्छे संस्कार जरूर होंगे। ऑलमोस्ट हर एक एपिसोड में एमी और मैक्स एक नए क्रिएचर से मिला करते थे, नए लोकेशंस पे जाया करते थे या औरों की मदद करते थे या सिंपली बेहद ही ज्यादा फन किया करते थे। अब अपने ड्रैगन फ्रेंड्स की मदद से वो हर परेशानी को आसानी से सॉल्व कर लिया करते थे। आप सोच नहीं सकते कि इस शो के बारे में बताते हुए मुझे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फिर से एक बार अपने बचपन को जी रहा हूँ। ये एक ऐसा शो है जिसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि इसको हम में से हर एक ने अपनी लाइफ में इसे एक न एक बार तो जरूर ही देखा होगा। और अगर ड्रैगन लैंड की बात करी जाए तो ड्रैगन लैंड में जो ड्रैगन थे उनके कैरेक्टर स्पेशली मुझे बेहद ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। अब क्या आपको याद है कि उनके पास ड्रैगन बैजेस हुआ करते थे? अब जब भी ओड, कैसी, जैक या वीजी किसी भी चैलेंज को पूरा कर लेते थे तब उनके ये ड्रैगन बैजेस ग्लो करने लगते थे। ये बच्चों को एक बेहद ही ज्यादा स्पेशल मैसेज दिया करता था कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। नाउ ड्रैगन शो एक ऐसा शो है जिसे केवल ना सिर्फ बच्चे ही देख सकते थे बल्कि वो सभी लोग देख सकते थे जिनको एनिमेटेड मूवी से प्यार है। ड्रैगन टेल्स को बनाने वालों को बिल्कुल क्लियर आइडिया था कि वो अपने इस शो की मदद से किस टाइप की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं और यही इस शो की सबसे बड़ी खासियत है। अब देखो जो कार्टून शोज बेहद ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं ना, तब वो ट्राई करते हैं कि दूसरे टाइप की ऑडियंस को भी वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें ताकि अल्टीमेटली उनसे ज्यादा पैसा कमाया जा सके। लेकिन देखो ड्रैगन टेल्स ने ये बिल्कुल तय कर लिया था कि वो केवल 4 से 5 साल की ऑडियंस को ही वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने सुपर्ब एनिमेशन को वैसा का वैसा ही रखा। ड्रैगन टेल्स बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि डायरेक्टली बिना कुछ बोले बिना भी कि बच्चों को आप अच्छे वैल्यू सिखा सकते हैं। अब बहुत सारे
सारे इंडियन एनिमेशन कार्टून बच्चों को डायरेक्टली ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन ड्रैगन टेल्स अपने बेहद ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्टोरीज की मदद से बेहद ही आसान तरीके से कोई चीज सिखाता है। तो उस अल्टीमेट मैसेज का बच्चों पर बेहद ही ज्यादा असर पड़ता था। और मेरे लिए स्पेशल एपिसोड वो होते थे जिसमें एमी और मैक्स नए नए लोकेशन को डिस्कवर किया करते थे, जैसे कि द डार्क फॉरेस्ट वाला एपिसोड या फिर बीच वाला एपिसोड। अब इसकी एक और खासियत की बात करते हैं, इसका हिंदी डब। इसे बहुत से फूल चाहिए, आज मेरे मॉम का बर्थडे है और गीगल फ्लावर्स उसे बहुत अच्छे लगते हैं। अब दोस्तों, ऐसे बहुत से कम फॉरेन कार्टून हैं जिनके हिंदी डब बेहद ही ज्यादा लाजवाब तरीके से किए गए हैं, जैसे बेन 10, ड्रैगन बॉल जी, शिनचैन, डोरेमोन जैसे कार्टून बेहद ही बेहतरीन हिंदी डबिंग की वजह से इंडिया में इतने ज्यादा पॉपुलर हो पाए हैं। दोस्तों, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ड्रैगन टेल्स का हिंदी डब वन ऑफ द मोस्ट फेमस और फेवरेट कार्टूनों में से एक है। देखो, इससे अच्छी दाढ़ी तो मेरी पहले कभी नहीं थी, ये तो जमीन को छूने लगी है, देखो। हाँ समी, ड्रैगन टेल्स कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया के मैसेजेस को कवर करने की कोशिश करता था, जैसे कि इंपॉर्टेंस विल पावर, टीम वर्क, स्पोर्ट मैनरशिप, फ्रेंडशिप और कैसे अपने डर पर काबू पाया जाए। बच्चों का कार्टून होने के बाद भी इन मैच्योर थीम्स ने बहुत से अडल्ट्स को भी अपनी तरफ आकर्षित किया था। दोस्तों, ड्रैगन टेल्स के केवल 3 सीजन ही रिलीज किए गए थे, जिसमें टोटल 93 एपिसोड्स हैं। अब केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ड्रैगन टेल्स बेहद ही ज्यादा हिट रहा था। अब इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी रेवेन्यू कमाया था, जो कि दूसरे किसी भी शो के अलावा ये कहीं ज्यादा था। ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि ड्रैगन टेल्स का एक गेम भी रिलीज किया गया था जिसे प्ले स्टेशन पर खेला जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से 6 साल तक रन होने के बाद इस शो को बंद कर दिया गया। और इसके बंद होने के कई सारे रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ये है कि इस शो के क्रिएटर्स रोम रेडिकर और वीजली यूरी, इन्होंने प्रोडक्शन कंपनी को छोड़ दिया था। इससे शो की पॉपुलैरिटी और क्वालिटी दोनों ही डाउन हो गई। इसके अलावा शो के आखिर में शो की रेटिंग बेहद ही ज्यादा कम होने लगी थी, इसीलिए शायद ये डिसाइड किया गया कि इस शो को बंद करने का वक्त आ गया है। अब देखो, मुझे तो याद ही नहीं था कि बाद के शोज में मैक्स और एमी के कजन्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। एक रीजन ये भी हो सकता है कि बच्चों का कार्टून टेस्ट और प्रेफरेंस दोनों ही चेंज हो गया था। अब जो नेटवर्क ड्रैगन टेल्स को दिखाया करते थे, उन्होंने सोचा होगा कि बच्चों के टेस्ट के हिसाब से कार्टून को चेंज करने का वक्त आ गया है। एक बेहद ही अजीब सा रीजन मुझे ये सुनने के लिए मिला था कि ड्रैगन टेल्स बच्चों को गलत मैसेज देता है, बच्चे बिना पेरेंट्स को बताए कहीं भी आ जा सकते हैं। आखिर मैक्स और एमी भी तो अपने पेरेंट्स को बिना बताए ड्रैगन लैंड में आया जाया करते थे। लेकिन देखो, मेरे ख्याल में ये एक बेहद ही बेकार सा रीजन है किसी भी अच्छे से शो को डीफेम करने का, क्योंकि हर एक एपिसोड में ये नहीं देखा जाता था कि वो चुपके से कहीं जा रहे हैं, बल्कि उसमें तो नए एडवेंचर्स और नए मोरल स्टोरीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। अब मेरे ख्याल में उस वक्त भी हम सभी को पता था कि ये सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी है और असल लाइफ में ड्रैगन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब दोस्तों, हम तो इसे सिर्फ इसके ब्यूटीफुल एनिमेशन और कैरेक्टर के लिए देखा करते थे, और मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर कार्टून नेटवर्क इस शो को फिर से लाएगा तो ये शो नए जनरेशन के बच्चों को भी बेहद ही ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अब होने वाला है। नए कार्टून्स स्पेशली इंडिया में इंडियन मेड कार्टून्स ने पूरी तरीके से मार्केट को घेर लिया है और बच्चे आज वही देखकर बहुत खुश भी हैं। कुछ दिन पहले मैं निकलोडियन चैनल पर देख रहा था कि आखिर इतने बकवास कार्टून बच्चों को क्यों पसंद आ रहे हैं। अब आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है मुझे ये भी बताना। भाई देखो, मेरा फेवरेट कार्टून तो एक ही थी, लेजेंडरी शिनचैन। उस कार्टून का अभी तक कोई तोड़ नहीं। इस कार्टून पर भी मैं वीडियो बेहद ही जल्दी लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।